बेटे गुडविल डेबिट करेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर ढीले ढीले, अब बेटा थोड़ा हाथ पिला। लेकिन समझने आने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अपनी एक्शन ड्रामे कर करके आपको समझा दूंगा। लास्ट कंसेप्ट है जी, सेम स्लैश डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स। तो नीचे लिखना शुरू कर दीजिए, इफ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर बीइंग फॉलोड देन फॉलोइंग विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एंट्री वन, विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन। बिजनेस परचेज डेबिट टू वेंडर्स। अब यहां लिक्विडेटर नहीं आया, वो देख लेते हैं। एंट्री टू, सेम व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर, जो नॉर्मल होती है बेटा परचेजिंग कंपनी की बुक्स में वही एंट्रीज है। एसेट डेबिट टू लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज, डिफरेंस विल बी गुडविल और कैपिटल रिजर्व। नोट ऑन जरूर लिखें। नोट वन लिखें बेटे, एग्रीड वैल्यू क्या करना है और डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू गुडविल और कैपिटल रिजर्व। लो जी एंट्री थ्री, वेंडर्स अकाउंट डेबिट। बेटे लिक्विडेटर वहां करते थे ना, पीसी देते थे तो, या वेंडर्स है डिस्काउंट में दिए तो डिस्काउंट, वैसे डिस्काउंट हटा दीजिए क्योंकि शेयर्स अब डिस्काउंट में नहीं देते कंपनीज एक्ट 2013 से। तो एंट्री ठीक कर लीजिए, वेंडर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू मोड ऑफ पेमेंट। खत्म। मैंने ताली बजाई, बच्चों को नींद आ रही थी, खड़ा हो गया। हाँ बेटा अच्छी बात है, खड़े रहो। एंट्री फोर, अगर पीसी उस समय नहीं दी गई, लेट दी गई, तो बेटा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो लिखिए एंट्री फॉर, अभी समझाऊंगा। इंटरेस्ट मे बी पेड फॉर डिले इन पेमेंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स। पेमेंट एंट्री, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी बेटे पानी जैसे समझ आएगा, पानी एक तरफ दूध एक तरफ। नाराज क्यों होते हो, दुखी क्यों होते हो, भूपेश आनंद क्यों होते, क्यों नाराज होना, अभी समझ आएगा। अभी सीए सीएस सीएमए की नदियां मैंने पार की हैं, और मैं चाहता हूं कि आप भी नदी पार करें। चलो जी लास्ट, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय परचेजिंग कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ वेंडर, ऑन बिहाफ ऑफ वेंडर। एंट्री लिखिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट, गुडविल डेबिट टू बैंक, टू बैंक। बाकी दिया गल्ला छड़ो, दिल साफ होना चाहिए। बाकी दिया गल्ला छड़ो, दिल साफ होना चाहिए। लो जी
लो जी लो लास्ट आई बस कंसेप्ट 35 छोटा सा लिख ले थ्योरी में आ सकता है ये कलेक्शन ऑफ डेटर्स एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय कंपनी एज एजेंट्स ऑफ वेंडर्स चलिए दोस्तों अब बिल्कुल खत्म हो रहा है जी काम ध्यान से मेरी बात को सुनना जी बेटे मैं आपके सामने अभी तक कॉर्पोरेट री स्ट्रक्चरिंग की बातें कर रहा था बेटा मैं ये कह रहा था कि इफ वन कंपनी एक्वायर्स द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी एंड पेस परचेज कंसिडरेशन तो बेटा ये भी कंपनी है आपको मैंने यहां की भी वेंडर कंपनी या परचेजिंग कंपनी की ट्रीटमेंट बताई और यहां की भी बताई दोनों की बताई क्योंकि बेटे आप कंपनी के अकाउंटेंट या कंपनी के सेक्रेटरी बनेंगे बेटा आपका जन्म प्रोप्राइटरशिप फर्म का अकाउंटेंट या पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटेंट बनने के लिए नहीं हुआ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आपका जन्म इनका अकाउंटेंट बनने के लिए नहीं हुआ बेटे आप बड़े बनोगे बड़े कंपनीज को मैनेज करोगे कंपनी सेक्रेटरी कॉस्ट अकाउंटेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट लेकिन बेटे इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी प्रोप्राइटरशिप को या पार्टनरशिप फर्म को एक्वायर नहीं कर सकते इसका मतलब ये थोड़ी है बेटे कि आप इनको एक्वायर नहीं कर सकते ये मतलब नहीं है बेटे बात को ध्यान से सुनिएगा मैं जो कहने जा रहा हूं मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक बात कह रहा हूं कि बेटे जब भी बिजनेस शुरू होता है बिगनिंग में रतन टाटा की बात करें धीरूभाई अंबानी की बात करें विजय माल्या की बात करें नारायण मूर्ति की बात करें इस दुनिया में कोई भी जब बिजनेस शुरू करता है तो बेटे स्मॉल फॉर्म में शुरू करता है प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप फॉर्म में शुरू होता है धीरे धीरे बेटे ये बिजनेस बढ़ता है ऊंचाइयां टच करता है और जब ये ऊंचाइयां टच करता है तो बेटे इसको संभालना मुश्किल हो जाता है तो फिर क्या होता है या तो ये क्या करते हैं इसको कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं कन्वर्ट इनटू अ कंपनी बेटे एग्जिस्टिंग बिजनेस जो प्रोप्राइटरशिप फर्म था या पार्टनरशिप फर्म था उसको हम या तो कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे न्यू कंपनी बनाएंगे और या एक एग्जिस्टिंग कंपनी इसको खरीद लेगी हो सकता है नहीं हो सकता है पहले तो ये बताओ बेटे बिल्कुल हो सकता है और प्रैक्टिकल लाइफ में होता भी यही है तो बेटे मैं कह रहा हूं इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ
business, matlab when one existing company or new company purchases the existing proprietorship or partnership firm. Better when one existing company or new company purchases the existing proprietorship firm or partnership firm, it is named as acquisition of business. बेटे acquisition of business. अब बेटे इसमें एक पार्टी purchasing company है और दूसरी पार्टी बेटे vendor है, seller है. अब ये company नहीं है बेटे, ये जो vendor है ये company थोड़ी है बेटे. या तो ये proprietorship firm हो सकती है और या ये partnership firm हो सकती है. कंपनी नहीं है, क्योंकि अगर ये कंपनी होती तो हम इसको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग ही तो बोलते, अमलगमेशन ही तो बोलते, फिर अलग से क्यों कराना पड़ता बेटे. इसका नाम है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस. बेटे जो सेलर है वो या तो प्रोप्राइटर है और या पार्टनरशिप फर्म में, और जो परचेजर है वो कंपनी है. तो बेटे इसको बोलेंगे एक्विजिशन ऑफ बिजनेस. अब दूसरी बात, क्योंकि हम कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं तो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में हमें आगे बोल मास्टर, हाँ बोल रहा हूं, हमें प्रोप्राइटरशिप की या पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करनी बेटे. वो तो आपने फाउंडेशन लेवल से कर ही ली पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अब नहीं, हम खाली कंपनी की करेंगे, क्योंकि हम कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट बन रहे हैं. और इस कंपनी का क्या नाम है, परचेजिंग कंपनी. तो बेटे हमें यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आनी चाहिए इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी. बेटे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी. तो बेटे परचेजिंग कंपनी अपनी किताबों में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगी, हमें उस बात को समझना है. सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी हमें कुछ लेना देना नहीं है. तो हमें एक ही ट्रीटमेंट समझनी है, और वो ट्रीटमेंट बिल्कुल वही है जो बेटे आपने अभी अभी सीखी है बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी में. बेटे परचेज में, अमलगमेशन इन टाइप ऑफ परचेज में हमने एक मेथड यूज किया था, परचेज मेथड. बेटे मर्जर तो हो ही नहीं सकता, तो बेटे परचेज मेथड के हिसाब से हमें यहां पर एंट्रीज पास करनी, परचेज मेथड, बिकॉज अ कंपनी इज परचेजिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस. तो बेटे पहली एंट्री बिजनेस परचेज टू वेंडर आएगा. बेटे लिक्विडेटर तो बेटे कंपनियों का होता है, पार्टनरशिप फर्म का और प्रोप्राइटरशिप फर्म का लिक्विडेटर नहीं होता, इसलिए मैंने लिख दिया टू वेंडर. दूसरी एंट्री वही है बेटे, एसेट्स एग्रीड वैल्यू अदरवाइज बुक वैल्यू टू लायबिलिटीज, पेबल वैल्यू अदरवाइज बुक वैल्यू टू बिजनेस परचेज. और बेटे कोई भी डिफरेंस होगा उसको हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट्स में नहीं डालेंगे.
रेवेन्यू लॉसेस में नहीं डालेंगे, वो तो मर्जर में लेते हैं बेटे, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो बेटे एंट्री थ्री लिक्विडेटर को नहीं, वेंडर को हम इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम वगैरह दे देंगे। लेकिन अब एक छोटी सी पॉइंट आ सकता है कि जैसे एक कंपनी ने यहां पर बिजनेस परचेज किया, डेट ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस, तो बेटे आप जिस दिन टमाटर खरीदते हो, जिस दिन पिज्जा खाते हो डोमिनोज को, उसी दिन तो पैसे देते हो। लेकिन आप कह रहे हो जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ दिनों के बाद दूंगा, ले लो जगह करा दिया। तो बेटे जितना लेट करोगे उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसका क्या नाम है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। तो परचेजिंग कंपनी के लिए खर्चा है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स, और फिर वेंडर्स को दो चीजें देंगे, पीसीबी और इंटरेस्ट। बाकी तो बेटे कुछ ज्यादा है नहीं, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, मुझे तो करने का मन नहीं है लेकिन फिर भी एक तो कर दें जिससे कि आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आए। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ रहा हूं जी, मैंने एक क्वेश्चन आप ही की स्टडी से लेकर दिया हुआ है, आइए देख रहे हैं। पेज नंबर 410, बेटे 10-12 मिनट की बात रही है, क्लास खत्म हो रही है, लेक्चर 7। बेटे आइए पेज 410, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। स्नो व्यू वॉज रजिस्टर्ड, बेटे कंपनी का नाम है स्नो व्यू लिमिटेड, 1 lakh shares and acquired, underline कर दीजिए acquired, business of Mr. Bansal, जल्दी से print हुआ दो बार, Mr. Bansal, एक बार काट दीजिए, business of Mr. Bansal at agreed price of 2,50,000. The balance sheet at the date of acquisition was, Bansal ki balance sheet di hui hai. Bete partnership firm mein koi company tha 2013 thodi lagta hai, wo to normal jaise 12th class mein banate the, wahi hai liabilities mein capital, reserves, trade payable, bills payable, assets. The consideration was discharged by issue of 20,000 equity shares and balance in cash. Underline कर दीजिए balance in cash. वो कहता है इतने shares देंगे और जो बच गया वो cash में देंगे। अब एक बच्चा सिर खुजला रहा, बच कितना गया? बेटे वो देख लेंगे, net asset method लगाएंगे, कितना हिस्सा बनता है, कितना दे दिया, कितना बच गया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्नो व्यू, बेटे कंपनी की बुक्स में, तो बेटे उसकी बैलेंस शीट पढ़ लीजिए बेटे आराम से, कोई जल्दी नहीं है जी, 10 मिनट में क्वेश्चन भी खत्म हो रहा है, हद कर दी, क्लास ही खत्म हो जाएगी तो फिर किस बात की जल्दी है, हद कर दी, जल्दी ना बेटे, जल्दी क्या करनी है। ठीक है जी, तो मैं लिखता हूं जी वर्किंग नोट नंबर 1,
एक तरफ मैंने लिख दिया जी स्नो व्यू, जहां से पहाड़ से बर्फ दिखाई दे वैसी कंपनी स्नो व्यू लिमिटेड, जिसके शेयर्स इतने एक्वायर्ड बिजनेस ऑफ मिस्टर बंसल, सोल प्रोप्राइटर में काम करते थे, 2,50,000 रुपए। तो ये केस क्या है, इट इज अ केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंड पीसी इज ₹250, वर्किंग नोट 2, स्टेटमेंट शोइंग डिस्चार्ज ऑफ पीसी। बेटे पीसी को डिस्चार्ज कैसे कर रहे हैं, पेमेंट इन वर्किंग एन अमाउंट। बेटे पेमेंट टू क्या, मिस्टर बंसल को दे रहे हैं वही है बस। तो बेटे दो फॉर्म में दे रहे हैं, एक तो इक्विटी शेयर्स में और एक कैश में। तो बेटे 2,20,000 ₹10 के और 50,000 बैलेंसिंग फिगर, लो बेटे, और टोटल आ गया जी 250। परचेज कंसिडरेशन 2,50,000 रुपए का आ गया, दिया ही हुआ मैंने निकाला, डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया। चलो जी, जर्नल इन बुक्स ऑफ स्नो व्यू, बेटे पहला बिजनेस परचेज, आपने बिजनेस खरीदा है टू बंसल, वेंडर कौन है यहां पर, बंसल, और कितने का खरीदा है, 2,50, ये तो दिया ही हुआ है। बेटे मेरा महान भाव देखिए, सारी एंट्रीज दी हुई है लेकिन मैं फिर भी करा रहा हूं कि आपको समझ आए, बी परचेज ऑफ बिजनेस एंट्री टू, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट, कैश डेबिट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू ट्रेड पेबल, टू बिल्स पेबल, टू बंसल। आराम से बेटे देखो, मैंने बैलेंस शीट सामने रखी थी, लॉजिक पता था, वही बेटे परचेज मेथड, परचेजिंग कंपनी के हिसाब से चल रहे। 2,500, 50,000, 30,000, हमने एक पोटली को 2,50,000 में खरीदा, अब हम देख रहे हैं पोटली खोल के कि इसमें एसेट्स कितने थे और लायबिलिटीज कितनी थी और नेट एसेट्स कितने हैं। अब एसेट्स के बैलेंसेस लिख दीजिए, 1,00,000। एक बच्चा कह रहा था कहां गए थे, कहीं नहीं बेटे, 20,000, 27,500, 75,000। लो जी सर चेक करिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 1,00,000 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 27,500 प्लस 75, 3,02,500।
और नीचे का देख लीजिए तीन 32,100। तो बेटे आपको डिफरेंस में बेटे 30,000 रुपए लिख रहे हैं और बेटे वो गुडविल है, नुकसान हो गया बेटे आपको। मुझे लगता है आपने निकाल भी लिया होगा। तो लिखिए जी मी परचेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट एग्रीड वैल्यू। अब लास्ट में बेटे पेमेंट कर देंगे, लिक्विडेटर लिखेंगे नहीं, बंसल लिखेंगे, बंसल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। बेटे 2,00,000 की कैपिटल, 50,000 का बैंक, बंसल में 2,50,000। बी डिस्चार्ज ऑफ पीसी। बेटे बैलेंस शीट इतनी सिंपल है कि मैं क्या बताऊं, अगले पेज में बैलेंस शीट मैंने बना के दी हुई है। बेटे शेड्यूल 3 लगेगा क्योंकि स्नो व्यू तो कंपनी है। तो बेटे ये तीन एंट्रीज की पोस्टिंग तो करनी है, और क्या बेटे आप कैसी आते करते हैं। तो बेटे प्लीज पोस्टिंग करें। आज लेक्चर 7 में हमने एक तो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस सीखा और बेटे मर्जर की प्रैक्टिस की। अब 2 लेक्चर्स और लगेंगे बेटे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के, लेक्चर 8 और लेक्चर 9। और यकीन मानिए मैंने दिल आपके सामने रखा है इन क्लासेस में। अगर आपको अच्छा लगा तो बेटे मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, आपको लेटेस्ट न्यूज और मिलेंगी, लोगों को बताएं, उनका भला होगा। इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बेटे मिलते हैं।